अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई, पिटारा के सबसे पहले तो इस पे बात करेंगे कि ये जो गोंचू को बोल रही थी कि सब जने कमेंट करके पूछते हैं कि गोंचू को कितना मंथ चल रहा है, तो देख लो कि कितनी रिस्पेक्ट करती है अपने हस्बैंड की। और बताओ कि ये बात हमेशा मेरे पैनल पे होती है और ये सुनती है और ये जाके अपने हस्बैंड को बोल रही है कि सब जने पूछते हैं तुम्हारा कितना मंथ चल रहा है। मतलब अभी तक के आपने पूरे वाइटी पे किसी के भी मुंह से ऐसे सुना नहीं होगा। खैर, बहुत मतलब रिस्पेक्ट करती है भाई, हस्बैंड की बहुत रिस्पेक्ट करती है, लेकिन सही वाली बेइज्जती की है। और गोंचू भी बोल रहा है, बोल देना लास्ट मंथ चल रहा है। अरे, पैसे के लिए लोग इतना गिर गए हैं, इतने बेशरम हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, जिस दिन गोंचू गया था गाँव, उस दिन इतने जाके ना गाड़ी में जाके पर्दे लेकर आई, ऐसे अर्जेंट में लेकर आई जैसे जाते साथ में ये बिना कुछ खाए पिए पहले पर्दे लगाएंगे। अब वो पर्दे ला के उसने रख दिए, रोज दिखाती थी कि मैं ये पर्दे लगाना है, ये पर्दे लगाना है, ये पर्दे लगाना है, लेकिन ये बंदी ने पर्दा नहीं लगाई। आखिरकार तीसरे चौथे दिन गोंचू आया, उसके बाद में इसने गोंचू के पीछे लग के ही पर्दे लगवाइए। ये औरत लेके आई है जाके, तो लेने भी नहीं जाना चाहिए था ना। मतलब तुझे बहाना चाहिए था बाहर भटकने का रमज़ान के साथ में, इसके लिए तू अर्जेंट लेने के लिए चले गई, लेकिन लगाने का इसको कोई शौक नहीं था। ला के बेड के ऊपर जा रखी थी ना, वहीं पे 2 दिन तलक के वो पर्दे सड़े हैं। उसके बाद में फिर जैसे ही गोंचू आया, ये उसके पीछे लग गई कि पहला पर्दा लगा, नहाना बाद में, नहाने मत जा, पहले तू पर्दा लगा। मतलब ये औरत से ना कोई काम नहीं होता है, या गोंचू नौकर करेगा, या रमज़ान इसका दिलबर करेगा, या तो फिर अनीता करेंगी। यह औरत से इतना भी नहीं होता है कि यह खुद की चाय भी बना के पी ले। जब इसके पास में कोई कंटेंट नहीं रहता है और 15 मिनट से कम की क्लिपें रहती है ना, तो ये मजबूरी में कभी डोरा के गना देती है, तो कभी खाना बना देती है, वो भी सब रेडी मिलता है ना, दिखावे के लिए चम्मच हिलाने जाती है। वरना ये औरत के पास में कोई काम नहीं है। मुझे समझ नहीं आता है कि इसका दिन कैसे ख़त्म होता है। इतना कौन मतलब काम चोर हो सकता है जितनी काम चोर ये औरत है। और बैठे बैठे बस यहाँ का रेंट, वहाँ का रेंट, वाइटी का पैसा, हराम का खाने मिल रहा है, तो फिर क्या ही बात है। और लोग इसको सिंपती देते हैं, बोलते हैं इसको आगे बढ़ाओ, इसको ज़रूरत है। अरे भाई, जिनको ज़रूरत होती है ना, वो दिन रात मेहनत करते हैं, बाहर जाके भी मेहनत करते हैं, फिर घर में क्या पूरा घर का काम करना, और फिर बच्चे संभालना, सारी कुछ चीज़ों को साथ में लेके चलना, नींद तक के उनकी नहीं पूरी होती है, इनकी हालतें ख़राब हो जाती है मेहनत कर कर के। पूरे पूरे महीने का रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, पर्दा भी करते हैं, और ये घटिया औरत को तुम लोग आगे बढ़ा रहे हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ अय्याशी कर रही है। हर एक चीज़ खरीदने का शौक़ है और ला के फेंक देने का शौक़ है। लानत है तुम लोगों की सोच के ऊपर कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए था, जो औरत अय्याश है। इसको देखो, बाहर की कितनी फिक्र रहती है कि रोड बन रहा है, आओ मैं आपको दिखाती हूँ। भाई, क्या लेना देना तेरी ऑडियंस को, रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कहीं पे पब्लिक टॉयलेट बन रही होंगी, वो भी दिखा दे, कहीं पे कुछ और बन रहा होगा वो भी दिखा दे। कितनी बेवकूफ़ औरत है। फिर लोग बोलते हैं इसको गिराने के पीछे लोग पड़े हैं, सलमा को क्यों अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। भाई, इसका कॉन्टेंट तो देखो क्या है, फिर बात करो। अच्छा, ये एक बात बोली है कि मुझे कमेंट आ रहे हैं, लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम वैक्यूम क्लीनर ले लो, क्योंकि ये जो कारपेट है वो सही से साफ़ नहीं होता है, डस्ट रहती है, बाल वगैरह रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये औरत को घर की साफ़ सफाई से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। इसको क्या करने का है कि घर में साफ़ सफाई कैसे होगी कैसे नहीं होगी, क्योंकि इसको तो ना अपनी औलादों से लेना देना है, ना अपने हस्बैंड से लेना देना है, ना घर से। इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने अय्याशियाँ करनी होती है। तो फिर ये क्यों इस चीज़ की फ़िक्र कर रही है, क्योंकि इसको शॉपिंग का बड़ा शौक़ है, पैसे है ना पानी करने का बहुत शौक़ है। अभी इतना सब लेकर आई, अब बोल रही है वैक्यूम क्लीनर लेना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको बहाना चाहिए पैसों का सत्यानाश करने का और पैसों को पानी करने का। बाकी ये बात के मुझे कमेंट आ रहे थे। अच्छा, इसकी शुरू की अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो इसके किचन में चिमनी लगी हुई है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और वो क्या बोलते हैं जंगलेटर, वो एसी है, और जंगलेटर है, और वो सोलो पैनर क्या होता है वो है, सारा कुछ है। तो पहले क्या इसको कमेंट आते थे, पहले तो इसके चैनल पे इतना कुछ था भी नहीं, और ना इसका चैनल था, तो वो सब कैसे ख़रीद ली थी।
बिना कमेंट के इसका दिमाग चल गया था कि ये सब चीज़ें मुझे चाहिए, ये सब चीज़ें काम की होती है, ये सब चीज़ें लूँ मैं। मोबाइल भी था इसके पास में इतना अच्छा, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन चार, तो वो सब कैसे ख़रीद ली थी। अब डालती है कि कमेंट आ रहे थे इसके लिए मैं ले रही हूँ, वरना तो ये नहीं लेती। तो सोचो कि अगर ये अपने दिमाग से नहीं लेती और शुरू से आज तक के अगर ये अपना दिमाग नहीं लगाती तो फिर इसके घर का क्या होता। अच्छा हुआ ना लोग है जो इसको कमेंट करते बताते, वरना तो पता नहीं ये तो टॉयलेट में जाके बोलेंगी ये खाना है और खा लेंगी, क्योंकि इसमें तो दिमाग है नहीं। कमेंट आते हैं तो इसको होश आता है। अरे पिटारा, किसको बेवकूफ़ बना रही है? जब तुझे कमेंट आ रहा था कि तेरा भाई जो बेवड़ा है उसके साथ में तुम मत रहो और उसको अपने दरवाजे पे मत खड़े करो, उसकी बेटी की शादी में मत हेल्प करो, वो ऐसा है वो वैसा है, तो तूने आके क्या करी? नहीं देखो वो मेरा भाई है, मुझे तो अल्लाह के लिए करना है, मैं तो ये करूँगी। मतलब जब तुझे कमेंट वालों की इज्जत रखने का राज याद नहीं रहा, हाँ जब तुझे लोगों ने बोले कि कौसर को यहाँ पे मत बुलवा, यहाँ पे डिलीवरी मत करवा, कौसर से दूर रहे, उसका नाम मत लिया कर, उसको वीडियो में मत दिखाया कर, तो तूने बोल दी नहीं वो तो मेरे हस्बैंड का फ़र्ज है, वो तो यहाँ पे रखेंगे ताकि वो मुझे भी देखे उनको भी देखे। मतलब तुझे बात वही माननी होती है कमेंट वालों की जो तुझे खुद को करना होता है, वरना तो तू आके उनको इस तरह से छू बना देती है। अरे पिटारा, कितना गेम खेलेंगी, कितना उल्लू बनाएंगी ऑडियंस को, बस कर दे बस कर दे। मार्केट जाने का ना इसको सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए रहता है, बर्थडे आ रही है, फार्म हाउस बुक कर दिया है, ट्यूब लेना बहुत ज़रूरी है वरना बच्चे इंजॉय नहीं कर पाएंगे, कुरान शरीफ पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, उस पर तवज्जो देना ज़रूरी नहीं है, बच्चों की इतलाह करना ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है कि उनको तैराना कैसे। अब आप लोग देखना ये गंद ये खुद करेंगे, क्योंकि इसको खुद को शौक है पानी में उतर के ना गंदी औरतों की तरह गंदे चाले दिखाने का। वैसे तो इसके सपोर्टरों को बड़ी नेक और पारसा बीवी लगती है ये, आज तक के आप लोगों ने देखा है कि ये बाबर की या दिलबर की वाइफ इस तरह से हरकत कर रही होंगी, या सलमा ने ऐसी हरकतें की होंगी, या इनके ख़ानदान में किसी ने भी इस तरह से किया होगा। ये हर साल बर्थडे का बहाना लेके जाके खुद की अय्याशियाँ करके आती है, नाम लेती है बर्थडे का, और बर्थडे के लिए इसको तैयारियाँ करनी है। वाह पिटारा वाह, कभी तूने ये सोची है कि बर्थडे पे मैं गरीबों को खाना खिला दूँ, देग वगैरह बनवा के गरीबों में ये तकसीम कर दूँ, कुरान शरीफ पढ़वा के कुरान खानी करवा दूँ, मिलाद वगैरह रखवा लूँ, बच्चों को जिसका भी बर्थडे है उसको दुआ दिलवाऊँ, या उसको ऐसी कोई गिफ्ट दूँ जो आने वाले दिन में उसको काम आए? कभी सोची है? हमेशा वही सारी अय्याशियाँ करनी होती है तुझे, पानी में नहा के पूरे कपड़े आम के आंग पे चिपका के और फिर वीडियो बना के ऑडियंस को दिखाना होता है, बच्चे कम इंजॉय कर रहे होते हैं, तू ज़्यादा चिचोरापना कर रही होती है, लानत है पिटारा तेरे ऊपर। और क्या करे, काम धंधा तो कुछ होता नहीं है इसको, कभी ट्यूब लेने के बहाने बाहर जाना है, कभी वैक्यूम लेने के बहाने जाना है, तो कभी कटर लेने के बहाने जाना है, बाहर जाना ज़रूरी है भाई रोज का, इतना ज़रूरी है ना कि खाना बनाना ज़रूरी नहीं है, बच्चों के बाल बनाना ज़रूरी नहीं है, बच्चों को नहलाना धुलाना तैयार करना ये सब ज़रूरी नहीं है, मार्केट में भटकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेचारे के पास में कंटेंट क्या है, कुछ भी नहीं। एक्टिंग क्या करती है ना, गोंचू नहाने के लिए जा रहा था तो इसका मुंह देखने वाला था, इतना एक्टिंग करके बोल रही है अब आपकी दो दो घर है, लेकिन नहाना यहीं पे है, इसी से तो साबित होता है पिटारा कि उसका दो घर नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ यही घर है, वहाँ पे तो कौसर का हस्बैंड होता है, वहाँ पे ये कैसे नहा सकता है। और चलो तेरे बोलने के मुताबिक मान भी लिए कि वो कौसर का हस्बैंड है तेरा गोंचू, तो ये बताओ कि फिर वो वहाँ पे खाना क्यों नहीं खाता है, वहाँ पे क्यों नहीं नहाता है, पूरा पूरा दिन तेरे पास रहता है, रात को तो तू वीडियो बनाती नहीं है, हाँ जो तू ये दिखा सके कि गोंचू यहाँ पे है कि नहीं है, गोंचू रात को भी यहीं पे रहता है। पिटारा तू है ना ज़रा चू बनाना बंद कर दे, आई बड़ी नहाना यहीं पे आपको, जब उसका ठिकाना ही नहीं है दूसरा तो यहीं पे नहाएंगा ना पिटारा। वैसे जब गोंचू कर्टन लगाने के लिए खड़ा हुआ ना तो पता नहीं उसने बोला कि रमज़ान से लगवा लेती, तो देखो इसको रमज़ान का कद भी पता है ना, और ये रमज़ान का कद तो आपसे भी छोटा है, कितना नोटिस करती है पिटारा रमज़ान को, क्या क्या क्यों क्यों, समझ गए ना आप लोग। और पिटारा बोल रही थी गोंचू को
कि मेरे साथ में ना कोई वॉक पे जाने वाला नहीं होता है, तो आप मेरे साथ चलो। अब देखो घर में इसके अनीता भी है और उसकी जो क्या नाम है ननंद है साथ में, वो भी है, हलीमा नाम है ना, हाँ वो भी है। फिर भी ये बोल रही है मेरे साथ में ना कोई जाने वाला नहीं, अम्मी थी तो अम्मी साथ में जाती थी, तो इसी बहाने पिटारा रमजान को लेके निकल जा के तेरे साथ में कोई जाने वाला नहीं है। हालांकि बच्चे है, अनीता है, हलीमा है, सब है, इतने लोग है, फिर भी रोना मेरे पास कोई जाने वाला नहीं है। जैसे कौसर के पास तो पूरी बारात बैठी हुई है। अब देखो कि इसने हलीमा को भी बुलवा ली इस वीडियो में, तो अब उसके पास में कौन रह गया? पूरा दिन तो गोंचू यहाँ मरे रहता है। ये तो बोलती बोल रही है ना कि हलीमा इसकी जो कौसर की माँ है वो तो चली गई है, तो इसका मतलब क्या है कि अली उसके कौसर के पास में कौन है? उसका अपना हस्बैंड है ना उसके पास, तभी तो वो इतना बेफिक्र होके धड़ल्ले से रह रही है। वरना छोटा बच्चा लेके ऐसे एरिए में जो पूरा सुनसान है, पीछे इतनी खुली जगह है, वो कैसे रह रही है? गोंचू तो पूरा दिन इसके पास मरा रहता है। तो ये सारी है ना बातें प्रूफ है कि कौसर इसकी औरत नहीं है और उसका हस्बैंड इसके पास में रह रहा है। और ये है ना सिर्फ और सिर्फ है ना चू बनाती है लोगों को। मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि ये टीचर है या उन लोगों की माँ है इसके बच्चों की, जो ट्यूशन से आते हैं बच्चे, तो ये बोलती है कि अरे कौन बनाया ऐसे बाल, कितने अच्छे बाल बना के आई हो। ये उसको पूछ रही है, अच्छा न्यू कॉपी लेकर आई हो, कॉपी ख़त्म हो गई। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि औरत को कोई भी चीज़ का होश नहीं रहता है कि बच्चों के बाल रोज ट्यूशन टीचर बना के भेज रही है, कॉपी ख़त्म हो गई थी तो ट्यूशन टीचर कॉपी लेके भेज रही है। पता नहीं यार वो औरत इसके किसी बच्चे की माँ है या वहाँ पे इसके किसी बच्चे का बाप रहता है जो माँ बाप की तरह बच्चों को देख रेख कर रहे है। वरना इतनी फिक्र कौन करता है माँ बाप के अलावा? मतलब पिटारा कितनी फिक्र करती है अपने बच्चों की, आप लोग खुद देख लो कि इसको होश नहीं होता है कि बच्चों के बाल कौन बनाया और कॉपी ख़त्म हो गई वो तक के इसको नहीं पता है। तो कौसर के पास में कोई भी नहीं है, सिर्फ वो एक हलीमा थी उधर पे, वहाँ पे भी इसको इतनी घाई है कि हलीमा को बुला लो, वहाँ पे वो टीवी देख रही है। फिर इसको अचानक से याद आया, फिर बोल रही है इसके मोबाइल में देख रही है। अच्छा पिटारा, जब मोबाइल में टीवी चल सकती है तो तेरे ब्लॉग नहीं चल सकते जहाँ पे तू कौसर को इतना गंदा कर रही होती है? तो कौसर वो सब देख के भी इतना चुप कैसे रहती है? या तो फिर वो तेरी सौतन नहीं है, या तो फिर तू उसको इतना डराती है कि वो डर के मारे सच्चाई नहीं बोलती है, तेरे मुंह नहीं लगती है। सोचो ये कितनी डायन औरत है ना। और हलीमा को जब लाए थे तो यही बोले थे कि कौसर के लिए आ रही है, कौसर के पास रहेंगी क्योंकि कौसर के पास वहाँ पे कोई नहीं है। हस्बैंड कभी स्कूल वगैरह छोड़ने के लिए गए, ट्यूशन से लेने उने के लिए गए, तो वहाँ पे कोई रहना चाहिए, तो इसके लिए हमने हलीमा को बुलाया है। और अभी हलीमा को यहाँ पे बुलाने के लिए ये मरे जा रही है और नाम डाल रही है अनीता का, कि अनीता के और कौसर के झगड़े हो जाएंगे क्योंकि कौसर हलीमा को भेज नहीं रही है। मतलब यहाँ पे इसके पास में अनीता भी है, रमज़ान भी है, गोंचू भी है, बच्चे भी है, सब है, लेकिन इसको इतनी जलन है कि कौसर के पास में कोई ना रहे। हालांकि उसके घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे टीवी हो गई या वॉशिंग मशीन हो गई, कोई चीज़ ऐसी घर में नहीं है, एकदम बस खाली घर, दो सोफे रख दिए, हो गया। इतना भारी घर और पिटारा के घर से कंपेयर कर लो तो उसके नाम पे कमा रही है पिटारा, तो उसको उतना दे भी ना। अब बोलेंगे इसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर क्यों उसका नाम लेती है, क्यों थंबनेल लगाती है, क्यों टाइटल लगाती है, क्यों दिखाती है उसको वीडियो में? उसके नाम से ही तो इसका चैनल चल रहा है। आए बड़े इसकी जिम्मेदारी नहीं है। तुम लोगों के मुँह में जो जमी हुई दही है ना उसकी लस्सी बना के पी जाओ और इससे पूछो कि अबाए का क्या हुआ, अबाया क्यों छोड़ दी, पैसा आ रहा है, कपड़ा उतरते उतरते जा रहा है, ये नज़र नहीं आता तुम लोगों को? ऐसी बेहुदा औरत को सपोर्ट करते हो, लख दी लानत है तुम लोगों के ऊपर। अच्छा रमज़ान आया है इसको चाय देने के लिए, ये खुद जता रही है कि हाँ रमज़ान के साथ में मैं ना रूम में अकेले है ना रह लेती हूँ। बोल रही है गोंचू नीचे बैठा है, इसको चाय दे दो। उसको बोल रही है कि अनीता ऊपर गई है, गुस्से में तो नहीं थी? मतलब ये खुद जता रही है कि अनीता ऊपर है, गोंचू नीचे है और रमज़ान मेरे रूम में। वाह पिटारा वाह, गैर महराम के साथ में तू अकेले रूम में। अब बोलेंगे बच्चे तो थे, बच्चे तो बच्चे होते ना, बच्चे तो सऊदी में भी थे, कर ली ना इसने अपना कांड। क्या तुम लोग भी ऐसे सोचते हो कि बच्चे तो है, चलो गैर महराम के साथ में
रूम शेयर कर लेते हैं, कोई भी रूम में चला आए, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो फिर बड़ी सोच है तुम लोगों की, बेशरम। और बार बार ये यही कर रही है, अनीता को गुस्सा रहा है। अनीता हलीमा को बुलाना चाहती है, अरे भाई तू बुलाना चाहती है हलीमा को, अनीता नहीं बुलाना चाहती है। तू जलती है, बहुत जलती है तू, कौसर से जल कुकड़ी औरत। और भाई पिटारा का जोक सुनो, कि इतने रोटी छोड़ी है ना, उस वजह से इसका सर में दर्द हो रहा है। मतलब रोटी छोड़ने से किसके सर में दर्द होता है भाई? क्या तू कौन सी टेक्नोलॉजी बता रही है दुनिया को कि रोटी छोड़ने से सर में दर्द होता है? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। पहली बात तो मेरे ये नहीं समझ आई कि रोटी की बजाय मेरे ख्याल से चावल छोड़ा जाता है ना, चावल से मेरे ख्याल से वजन बढ़ता है। पता नहीं ये कौन से हिसाब लगाती है, समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात ये बोल रही है कि गांव में शादी थी ना, तब मेरा वज़न कम हो गया था, अभी बढ़ गया है। कब हुआ था कम? मैं कहाँ थी? मुझे होश में नहीं थी क्या मैं? अरे पिटारा कितना झूठ बोलती है, कोई तेरा वज़न कम नहीं हुआ था मोटी संडी, तेरा वज़न बल्कि इससे भी ज़्यादा था, तुम मोटी संडी लग रही थी, बल्कि अभी भी तेरा वज़न उतना ही है, बल्कि और बढ़ गया है। आई बड़ी तू झूठी मक्कार, जब मेरा वज़न कम हो गया था रोटी खाने थे, सर में दर्द हो रहे नहीं खाने थे, झूठी कहीं की, बहाने तो अच्छे बना मोटी। छोटा से छोटा फंक्शन हो, कुछ भी हो, हर बार इसको बाहर से ही कपड़े लाने होते हैं, जैसे घर में तो कपड़े है ही नहीं, बर्थडे के लिए फिर कपड़े खरीद के उठा के लेके आ गई है, कमाल है नहीं? और सबके कपड़े याद रहे, अनीता के बच्चे के याद नहीं रहे तुझे? हाँ जो भाग भाग के ऊपर जाके बच्चे संभाल रही है, भाग भाग के नीचे आके तेरी गुलामी कर रही है, उसके बच्चों के लिए भी दो जोड़ा ले लेती तो गरीब हो जाती क्या पिटारा? यहाँ पे देख लो इसकी नीयत, यहाँ पे इसका बड़ा दिल देख लो। और बोल रही है कि बच्चे लोग जाने नहीं दे रहे गोंचू को, अब देखो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, टाइम तो बहुत हो चुका है। अच्छा पिटारा, तब के कौसर छोटा बच्चा लेके वहाँ पे अकेली रहेंगी और तू यहाँ पे गोंचू को रख के बैठेंगी? फिर बोलते हैं कि इसके ऊपर बड़ा जुलूम हुआ है, कौसर ने बड़ा जुलूम कर दी, अगर वही कौसर की जगह इस ये डिलीवरी में रहती और गोंचू कौसर के पास रहता, जिसके पास में इतने सारे बंदे रहते, जैसे तीन बच्चे, अनीता और रमज़ान, इतने सब कौसर के पास रहते और ये अकेली बच्चे को लेके रहती, तो बताओ जो सपोर्टर है इसके, सिंपति किसको देते तुम लोग? फिर तो बड़ा तुम लोग सिंपति देते भाई, कि इसको अकेला छोड़ दिया गोंचू ने, इसके पास में रहना चाहिए था, इसको ज़रूरत है, ये डिलीवरी में है, कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है बच्चे को संभालने के लिए भी। अब जाहिर सी बात है हलीमा है भी, अगर वो रात तो हलीमा छोटी है भाई, हलीमा छोटी है, कोई बड़े का रहना तो ज़रूरी था ना, अगर कि वो अपने हस्बैंड के साथ में वहाँ पर नहीं है, खाली हलीमा है वहाँ पर, तो सोचने वाली बात है कि बच्चा, हो सकता है कौसर को टॉयलेट जाना हो, खाना खाना हो, खाना बनाना हो, कुछ भी काम करना हो, तो बच्चे को कौन देखेगा? वो हलीमा संभालेंगी या हलीमा खाना बनाएंगी? तो यहाँ पे सिंपथी तुम लोग इसको दे रहे, ये बेहुदा औरत को जो दूसरी औरत के ऊपर जुल्म कर रही है, लक दी लानत है तुम लोगों के ऊपर। और एंड में इतने यही बताई कि गोचू यहीं पर सो गया है, सोचो इसकी जगह पिटारा होती तो, सच में बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे, मतलब बोलते हैं ना पैसा है ना तो सब कुछ अच्छा है, उसी तरह से ना लोग इसके पीछे इसके लिए भाग रहे हैं, इसके लिए इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ आएंगे, डॉलर बनेंगे। ईमान इन लोगों ने ना दो दो कौड़ी के बेच दिए, बेशरम लोगों ने। गंदी औरत के पास में कॉन्टेंट तो रहता नहीं है, तो कल इसकी बर्थडे, परसों उसकी बर्थडे, बर्थडे मनाएंगी, बहुत अच्छा व्लॉग देखने मिलेगा, हर बार की तरह टाइम टाइम फूसी होएगा पिटारा तेरा, अय्याशी करने जाएंगी बर्थडे के नाम पे, बेशरम। कौन ऐसे बर्थडे करता है भाई, हर बार तू स्विमिंग पूल में चली जाती है और बोलती है बर्थडे मना रही है बच्चे का, लक दी लानत है तेरे ऊपर। चले जी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और गोंचू को जब ये उठाने के लिए गई है ना, सोचो ये थोड़े दिन पहले बोल रही थी कि मुझे ना डर लगती है, अब गोंचू घर में था, ये आराम से सो गई थी, बाद में ये उठी है जाके गोंचू को उठाने गई है कि चलो ऊपर चलो, तो जब डर नहीं लगी पिटारा तेरे को? फिर गोंचू को उठाने के लिए गई है, गोंचू को देख के साफ नज़र आ रहा था कि हाँ वो रोज़ यहाँ पे ही सोता है, झूठ बोलती है ये रोज़ के गोंचू वहाँ चला गया है, लानती औरत। और कहाँ तो बोल रही थी वहाँ पे कौसर को रखेंगे ना तो दोनों को टाइम दे पाएंगा, कौन सा टाइम दे रहा है कौसर को? लानती दिलबर को देख ले, पहली बीवी, दूसरी बीवी से ज़्यादा तीसरी बीवी के साथ में रह रहा है,
और तू बोलती है कि तेरे हस्बैंड ने 13 साल मोहब्बत से शादी किया है। वाह पिटारा झूठी मक्कार, अल्लाह ही पूछेगा इससे। तो चले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।